जय भोले की, हे भगवान। भगवान, जब तुम अकल बांट रहे थे तो मेरे पति को और मेरे बेटे को क्यों ना अकल दी? थोड़ी सी अकल दे देते तो तुम्हारा के बिगड़ जाता। मूर्ख औरत। यू कौन बोला? मूर्ख, कहाँ देख रही है? तेरे माथे की फूट रही है क्या? बात मुझसे कर रही है? देख इधर उधर रही है, सामने देख। भगवान जी, तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। हैं? भगवान जी, तुम बोल भी लो। मूर्ख, मैं गूंगा हूँ जो बोल भी नहीं सकता। ना ना भगवान जी, मेरा मतलब यूँ ना है, मैंने आपको कभी बोलते देखा ना ना, इसी मारे। तेरा मतलब क्या है? तू कहना क्या चाहती है? ना ना भगवान जी, तुम गुस्सा ना हो। मेरा कहने का मतलब यूँ है कि अपने मानव जीवन की किताब में से मेरे पति की और मेरे बेटे के बारे में कुछ अच्छा लिख दो। मैं तो यूँ कहना चाह रही हूँ भगवान जी। मूर्ख, तू भगवान को फिल्मों का एडिटर समझती है क्या? जो तेरे कहने से मानव जीवन में मैं काट छाट कर दूँ? मेरे बेटे ने और मेरे पति ने मुझे बहुत परेशान कर रखा, सारी दुनिया को अकल दी भगवान, तब ना उन्हें क्यों ना दे? ना तो कमा के खाते, ना कुछ अच्छा काम करते। भगवान जी, मुझे बड़ा परेशान कर रखा उन्होंने, कुछ उन्हें अकल देते, सद्बुद्धि देते, जो कुछ अच्छा काम करे वे, मेरे मन को तसल्ली हो जाए। ये सब अपने कर्मों का फल है, जो लिखा है उसको भोगना पड़ेगा। भगवान जी, तुम्हारे चरणों में मेरी प्रार्थना, मैं लड्डू का, पेड़े का रोज भोग लगाऊं, रोज तेरे मंदिर में आऊं, रोज पैसे भी चढ़ाऊं, पर देखिए मेरा कुछ नहीं है, है सब कुछ तुम्हारे दिया, और तुम्हारे बिगड़ तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। मेरी क्या ताकत जो मैं यहाँ आकर कुछ चढ़ा दूँ तुम्हारे चरणों में? बस भगवान जी, मेरी तो यही प्रार्थना, इन बाप बेटान को सुधार दो और अच्छे से करके खाल लगे वे। ये लड्डू पेड़े का मुझे लालच मत दे, याद कर जब तू कुंवारी थी तो तूने मेरी सच्ची भक्ति की थी और मुझसे ये मांगा था कि हे भगवान, मुझे एक नालायक पति और एक नालायक संतान देना, तो ये उसी का फल है, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। भगवान, मैं ना समझती ना जानती, जो मैंने गुस्से मांग के ऐसी चीज मांग ली। भगवान, मुझे यू फलना चाहिए, अब इन्हें सुधार दो बाप बेटान को, बस मुझे माफ कर दो और जो गलती हुई है उसको क्षमा कर दो। भगवान, हमारे चरणों में माथा टेक रही हूँ भगवान, बख्श लेना भगवान, जो गलती हुई है जाने अनजाने में। देख रेवती, ये इधर उधर की बातें करके तू मुझे अपनी बातों में मत उलझा। जिसकी किस्मत में जो होता है वो भोगना पड़ता है, और मैं अब जा रहा हूँ, तथास्तु। भगवान जी, भगवान जी, भगवान जी तो चले गए दिखे हैं। बता रहे, कौन सी पिट्टू? पीठ वाली। बिच्चा दे पहले थोड़ा। अब पीठ। अरे यार। Yeah!
बाजे बन चुके डंड हो गया तेरा कदी करूंगा बोलची साढ़े सही गोली पिट्टी मन ने रैप्टा से मारूंगा मुझे नु घर रोड मंची कर रहा चुप मर जा ये आखी गट्टी मुझे दे और डंड लगा से दे बोलची कहीं का नहीं ना खेलता मैं तेरे साथ ले डंड भी रे ससुरे गिर ओ बेटे तीन आ गई लाला डंड दे तू भी डंड दे अरे ओ छोटे पैकेट थम जा घना तेज मत चले मैं बताऊंगा कौन सी पीटनी यू पीट काली वाली हे भगवान जान बचा लिए अरे सुमित अपनी माँ से कहिए मुझे गुलगंडे और दूध पिया कर जब तू कंचा पीट पावेगा सुमिता अरे सुमिता अरे सुमित की माली साले बहुत मारेगी भाग लो इनसे हे भगवान कंचे बजा रहा यार सही कह रहा इसकी मां को हाथ में डंडी भी ले रही भाग ले मैं खिलवाऊंगी तुम्हें कंचे साले कहां भाग रहे हो रुक जाओ मेरे सारे कंचे जीत लिए रुक जा मैं बताऊंगी तुझे तेरा तो लिहाज रही ना अरे मां खेल लगा कंचे आई 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 खेल कंचे अरे मां लग कंचे खेल रहा अगर लगे कर रहा है तू बुड्ढे सांड इन छोटे बाल को मैं कंचे बजा रहा तेरा कैसे शर्म लिहाज ना रही है तू ना सुधरे अरे मां इस डंडी से मत मारे बहुत तेज लगे चलेंगे को मां तुझे कितनी बेर कर रखी मेरे छोटे भाई के मत मारे कर बहुत दर्द हो है। आज तुझे भी देखो और तेरे छोटे भाई को भी देखो हमने दोनों ने खून पी लिया मेरा कैसे ना बाज आता तू कैसे ना मरता तू कैसे बाज ना आता हाथी को मारता मारता मेरा हाथ भी झंझना रहे अरे जब दर्द हो रहा था फिर क्यों मार रही है पर तू सुधरेगा नहीं सुधरना है तू वो कहाँ तेरा बाप नाश गया कहाँ मर रहा है वो कहाँ होता पड़ा होगा सुख के घेर में आज उसे भी बता दूंगी अपना बाप बेटा ने मेरा जन्म दुखी कर दिया रोटी भी खाई है सवेरे से कंचन में मर रहा चल घर को चल दे देख ले नहीं तो डंडी बजाऊंगी चल जल्दी हाँ भाई तैयार हो सारे गपकने के लिए दिखे अपने आँख नाक सारे सामान बचा कर रखियो यू कहीं भी बढ़ सके आउट ना आउट ना आउट आउट ना है तो आउट है होश में खड़ा रहा आउट ना है तो मैं इतनी दूर से दिख गई हमें तो दिखा नहीं लगता हो या अरे बुड्ढे जब हम तुझे कह रहे आउट हो रहा अरे ओए होश में खड़ा रहे ना हलक में खुद दे दूंगा और बुड्ढा किसे कह रहा तू दिखे बुड्ढा ही ना कह दिए जाने ना तू भुलक्कड़ बापू में के हाल हो रामा का सुन ले मेरी मैंने अपनी माँ का दूध पी रखा वो भी पूरे 3 साल लो आंखों का तौर बहुत तेज है मेरा डाल थैली का ना पी रखा ठीक है ताऊ तू आउट ना तो खुश ठीक है अब देख इसे कहां तारू मैं ठीक है ताऊ अब खेल चालू कर अब आए ना लेने पे हल्के में ले रहे थे मुझे ठीक है ताऊ के सोच रहा मारे भी एक होगी दो रहेगी ताऊ समझा तसल्ली राख ठीक है ताऊ तुझे तो हम नहीं मनने थे जोर पूरा तेरे में ताऊ ये तो वैसे ही ले रहे थे हल्के में अब भी तो आए लेन पे बेटे ये खेल तो मन्ना जवानी में बहुत खेल रखे हैं हल्के में ले रहे थे ना मुझे रत्तम के होड़ करोगे मेरी कही थी ना मन्ने अपनी माँ का दूध पी रखा देखी ना गिल्ली कहाँ तैर दी ऐसी तैर दू मैं तो लिया ढूंढ के
हैं? हलके में लेट देना मुझे, रही है खेल तो मैंने जवानी में बहुत खेल रखे हैं। माँ तू मुझे बिना मतलब पीट रही थी ना, देख बापू को देख, इन बाल को गल गिल्ली डंडा खेल रहा। हाँ तू इसे कुछ क्यों कहोगी, यू तेरे लोग है ना। जूका तू बाप पे गया, इसे तो आज बताई दूंगी, इसे ना भी जन्म दुखी कर रखा। हाँ भाई रे तुम्हें किन्ना न्योता दिया था, जो तुम दोनों माँ बेटा यहाँ आके टपक गए हैं, रे खेलने का मजा तो अभी आया था। शर्म तो ना आ रही होगी तुझे बुड्ढे लोग को, इन बालकों की गैल गिल्ली डंडा खेलते। रे शर्म को के मैंने लत्ते काट रखे हैं, और तू जो इस नलायक को लेके और मेरी छत्ती पे आ खड़ी हुई है, घरों काम ना था तुझे, रे कुछ रोटी टुकड़ा बना लेती। रोटी सब्जी को तो ऐसा कह रहा जैसे कितना धर रखा हो लाके, ना घर में चून है ना सब्जी है, मंडी लगा रखी है घर में, तेरे कालजे को काट कर आंदू घर में। अरे माँ परसों तो आई थी सब्जी घर में, सारी खत्म होगी। हाँ मैंने ना भर ली हूँ सारी सब्जी, तुमने तो बाप बेटा ने कुछ सटका ही ना, तुमने ना भरा कुछ भी, परसों से रंधी ना हूँ सब्जी। अब चल रहे हो घर को, अब फॉर्मूले 36 वाला अपनाओ। अरे चुपकी हो जा मरजानी, उस फार्मूले को घर में ही अपना लिए, गाँव में मेरी भी इज्जत है कुछ। बता के करवावे, तुम तो सब्जी लाओ जाके, और तू चक्की पे कुछ चल हाड़े ला ठाके, 3 दिन हो गए हाड़े धरे वाए को, लाना ना ठाके। ला रहा हूँ मैं, ला रहा हूँ। अरे तुम्हें कुछ काम धंधा ना, अरे उत्ते हो पढ़ लिख लो कुछ, यू तो बुढ़ा आदमी है, तुम अच्छे जवान हो पढ़ लिख लो, उत्ते हो यू गिल्ली बल्ले थारे काम आ रहा, और तू ऐसा मारूंगी। अरे माँ दिखा रहा खड़ा हुआ, यही बिगाड़ है से बापू को। देख रही ताई हमें कहने की कोई जरूरत ना, जो कहना ताऊ को कहिए, हमें ही लाए बुला के। रुक जाओ मेरे बाप भैया के दुश्मन, दिखिए तन्ने का डंडा रखो, आ जाओ बताऊं तुम्हें राज। अरे माँ तू क्यों इन्हें मार रही है, कमी तो हमारे बापू में ही है, जब अपना खोटा सिक्का तो दोष किसे देवे। ऐसा कर मैं आटा ला रहा हूँ, बापू को भेज दे सब्जी लेने। चलेंगे को सब्जी लेकर, चलो। चद्दर कहाँ तेरी, चद्दर यू धरी ला रहा हूँ, चद्दर भी दीवार पर टांग गया यू। चल भाई सब्जी ले आऊं तुझे। अरे यू क्या कर दिया, वो मुझे थोड़ा सा चक्कर आ गया था, उसके लिए मैं गलती मांगू। चक्कर आ गया था, देखने में तो ऐसे लग रही जैसे शादीशुदा हो, वैसे फेरे तो फेर लेंगे तेरे। ना मैं अपने फुप्पा के आ रही। अच्छा मैं समझ गया तू फुप्पा के क्यों आ रही, या तो ये बात उखाड़ेंगे या बात दबाऊंगे। के मतलब है तेरा, और के कहना चाह रहा तू। मतलब तो साफ है, तन्ने जवान होने से पहले उमा उमा में कुछ ऐसा कांड कर दिया, उस बात को छुपाने के मारे तू यहाँ फुप्पा का के रह दी, कदी वहां तेरे माँ बापों को कुछ पता चल जा, यही बात है ना। ओ बुंडी तूतड़ी के जवान संभाल के बात करिए, गर्भवती तू होगा मैं क्यों होती। अरे तू कौन से स्कूल में पढ़ी, गर्भवती आदमी हो रहा है औरत हो, मुझे लगे तू स्कूल के पीछे को भी ना गई। चुप मर जा, सकल बढ़िया ना, कम से कम बात तो बढ़िया कर लेकर। यार अभी तो इसकी बैटरी डाउन हो रही थी, अब अचानक से कैसे चार्ज होगी, मुझे पक्का लग रहा यू सच में कुछ कांड करवा का ही। जब ही इसे चक्कर आ रहे थे, यू बात 100% पक्की है। ओए के सोच रहा तू, अब की बेर बार फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हूँ, और आज मेरा उपवास है जिसके कारण मैंने अन्न और जल त्याग रखा, समझ गया। यू बात तू मुझे पहले ना बता सकती थी के तू 12वीं पास हो रही है, करण लग रही बकवास। टी 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 अकल तो तुझे एक देर लेगी ना है, मेरे ऊपर देखे क्या कर दिया था नहीं हूँ। पता नहीं भगवान भी ऐसे उसको धरती पर उतार देवे, जब भी तो इस देश का नाश हो रहा है। मेंटल सा चली जा परे को, ये दिद्दे मत दिखा ना, फोड़ दूँ इन्हें सारे लत्तों की ऐसी तैसी कर दी, पता ना कहाँ से आई फुप्पा की बिटिया।
ताऊ वो ताऊ पता ना कहां मर गए सारे के सारे। चक्की तो खोल ले मैं। तू बड़ा बदतमीज किस्म का लड़का है। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गया। तुम लड़कों में यूं ही तो कमी है। लड़की देखी ना और उसके पीछे पीछे लग जाओ। ओ, 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 थम जा। तेरे पीछे गुड़ ना लग रहा। जो मक्खी की तरह चिपक के तेरे पीछे आ गया। अरे तू है क्या सौदा? रुक जा, तुझे अभी मजा चखाऊंगी। फूफा जी बाहर को आई हो? अच्छा अब समझा मैं। वो बेईमान तेरा फूफा है। तेरा फूफा भी ऐसा है, तू भी ऐसी है, दोनों के दोनों ऐसी हो तुम। अरे के बात होगी, क्यों रोड़ा बच्चा रखा? आगा काचड़ी में से निकल के घर में ऐसा कौन सा रूपा दबा रखा जो इतनी आवाज लगाने पे भी तू बाहर ना आया? फूफा जी देख लो कितनी बदतमीजी से बोल रहा। यू बेलगाम गधा है, इसकी हड्डी पसली तोड़ दूं। अरे राम फल के, पिट के जागा या यूं ही चला जागा? ओए सुन, पहले तो तू इसे संभाल। जो ये पिटारे में से निकलने को बाहर हो रही है, यूं मुझे बेलगाम गधा बता रही है? चल लल्ली तू भीतर जा, मैं राम फल से मिल लूंगा। कोई लेगा इसे खैर खबर? भैंस का बीन बजाने से कोई फायदा ना? कितना अट्टा है तेरा बता? तुम फूफा बेटी में दिमाग ना है, अपनी काफी में से देख लो कितना मेरा हाड़ा। मेरे से काहे को पूछ रहे हो? अट्टा पूरा भी है? मैंने बेईमानी के बहुत चर्चे सुने थारे गांव में। फूफा जी यू पहले भी कह रहा था तेरा फूफा बेईमान है। ए फूफा की चमची चुपचाप रह, घनी बोल रही है। अरे और हम भड़के, अब तू पिट के जागा, हमें बेईमान बता रहा? गणी मत बोल ले, मुझे पता तेरा फूफा कैसा आयु। चुम्मक लगा लगा तो अट्टा तोल ले आयु है, बन रहा बहुत बड़ा खरा। राम फलके तू तो मेरा बेटा है, तू तो काम का चिराग है बेटा है। अरे ये तो मैं मजाक को मैं लगा दूं कि मैं अपने बालकों से मजाक भी नहीं कर सकता। यू मजाक गांव में बता दूं जाके? ना ना बेटा ऐसा मत करिए। हाँ ठीक है ना बताना है गांव में, पर मेरी एक शर्त है। मेरा आटा 30 किलो की जगह 40 किलो कर दे। 40 किलो? मजाक कर रहा है? मजाक ना कर रहा मैं, सच में जे ना तेरा ढोल है ना पूरे गांव में पीट दूं मैं। ऐसा तो किस सोच रहा है बेटा, मैं तो 15 किलो पहुँचा दूं, पूरा पहुँचा दूं तेरे घर में। ठीक है तो पक्का पहुँचा दिए, जा रहा हूँ अब तो। हाँ, मैं पक्का, पक्का। चल तो उठवा हंगा लगा के। आलू ले लो, बैंगन, घिया, तोरी, टमाटर। रे रुक गया बस सब्जी वाले। ले रुक गया। रे के अड़ंगा ले रहा? अरे अड़ंगा के सब्जी ले रहा हूँ। देखिए गड़े हुए ले रहा मेरे यार। अरे ताऊ तुझे क्या चाह मुझे बता, या दिमाग खराब ही करने आया? ओ सुन रे, तेरे मुंह पे इतने मारूंगा अगर मार तो लाल कर दूंगा बंदर के पिछवाड़े की ढाल। जो तन्ने मुझे ताऊ कह दी तो, और कुछ भी कह दिए पर ताऊ ना कह दिए मुझे, समझ गया कि ना? तो बेटा क्या चाहवे, यो तो चल जाओगे या और कुछ कहूं? ठीक है तुझे बता, आलू के भाव दिए? आलू दिए 30 रुपए किलो। और न्यू बता बैंगन के भाव दिए? बैंगन दिए 60 रुपए किलो। और घिया के भाव दिया? तू एक काम कर, तू अपने घरों जा, मुझे ना देनी सब्जी वब्जी। रे क्यों धुम्मा ठहरा, नहीं बेगनी मत बेक, सड़ा ले चुद दिन को। ताऊ देख जो लेना वो बता, तन्ने तो इनकी गिनती शुरू कर दी। और फिर ताऊ कह रहा तू पिटाई मांग रहा के, तू इस सब्जी को खिंडवा के जागा हंते। ओ मेरे बाप, मैं जोड़ू दो हाथ, जो सब्जी तू लेगा वह तोल के दे दूंगा। तू मुझे बता कौन सी लेगा? तो सुन भाई दे, अब 850 ग्राम आलू दे दे, टमाटर 250 ग्राम और बैंगन 450 ग्राम और मिर्च फ्री वाली गेर दे और 2-4 प्याज भी गेर दिए। चल तोल भाई। रे प्याज भी गेर दे एक दो। लेता हूँ तेरी पूरी ग्राम की ग्राम ले।
अरे सुन तो सही, इनके पैसे कौन देगा सब्जी के? रे काफी तो होगी तेरे धोरे, उसमें लिख लिए, अगली की तो भी जोर पड़ा तेरे पे। अरे पिछले रुपए थार पे दिए न गए, इन्हें और लिख दूं? रे घर छोड़ के थोड़े भाग रहे, अब तेरे पैसे अब तो पहले मार लिए, दे देंगे नाट थोड़े रहे हूं। ओ ताऊ, ताऊ, अरे ये तो सुन भी नहीं रहा। अरे ताऊ सुनिए, पैसे तो देता जा। आजा, आजा ले पैसे दूंगा उरे कुआ। ओ, अरे भैया छोड़ ताऊ, छोड़ दे, छोड़ दे। मेरे पैसे, मेरे ससुरे, तुझे पहले ही कही थी मैंने, मुझे ताऊ ना कह दिए, चाहे कुछ भी कह लिए। ले टुकन्नी, अब ना कहने का तू अपने ताऊ को भी ताऊ। तेरा ससुरा झोंतरो पैसे लेगा मेरे तय। अरे मेरे ससुरे दही तोड़ती। मैंने कौन सा गलत कह दिया, सब्जी के पैसे तो मांगे थे, इसे ससुरे बुड्ढे को मैं ताऊ ना कहता था और अंकल कहता के। अरे ओ हराम के बीज, ताऊ किसे कह रहा? ताऊ अपने बाप को कहिए, अपने बाबा को कहिए, समझ गया कि ना? ओ बुड्ढे मांस मार के बोलिए, मैं तो ताऊ कह रहा हूँ, दो चार पोते को कहिए। अच्छा रे, अरे हराम के बच्चे अकड़ रहा मेरे पे, हैं? फिर कहेगा ताऊ, फिर कहेगा कि ताऊ? अरे क्यों हो रहा हो, कैसे पीट रहा मेरे बच्चे? अरे सुसुरा ताऊ कह रहा मुझे। तो क्यों हो गया फिर? पापा, इस राम के बीच बुड्ढे ने मुझे मारा। अरे ऐसा के कर दिया इसने, जो के कर दिया? अरे मुझे ताऊ कह के राम राम कर रहा, जी तो नहीं करा, इसकी साले की खाल तार दूं। अब की बार मार के दिखा मेरे बच्चे के। रब का मार दूंगा तो के कर लेगा तू मेरा? अरे अपने इस सपोड़े को नहीं समझा रहा, ताऊ कह रहा मुझे। गलती इस बालक की ना है, गलती तेरी है। ताऊ को ताऊ ना कहेगा क्या, फूफा कहेगा? अगर तू मेरे सामने पीटता तुझे धरती में गाड़ देता। अच्छा रे, बहुत बोल रहा, मैं मार दिया पता के करेगा? साले बुड्ढे, ओए रुक, अब के मार के दिखाई मेरे बापू के? ऐसा है, इस लट से ना अपनी भैंसी हाँक ले, मेरे बापू को हाँकने की जरूरत ना है। ना लठ्ठा दूं तुझे भी। हाँ हाँ मार, अब मेरे शेर के आके तेरी कैसे गिल्ली होगी, जब तो तेरे खून में बड़ा उबाल आ रहा था, अब कैसे फटकी इसके आगे। अरे चल अब, क्यों इस गिद्दर से भेड़ मार रहा, ना तो कट जाओगा मेरे से यूं। ठोई से थुआ, हटे गड़गू। अच्छा हुआ चले गए, नहीं तो दोनों मर जाते मेरा। कद के गए आए हैं दोनों, एक पे हाड़ा उठ के नहीं आया, एक पे सब्जी नहीं आई, आज इन दोनों को आ जान दे यहाँ, अड़झरे होंगे कहीं अपने। इन्होंने बड़ा जन्म दुखी करा मेरा, आज इन्हें रोटी बना के देनी नहीं, खा लेंगे आज मेरे हाथ की टिक्कड़, खवाऊंगी आज इन्हें घेसड़े। माँ तो आज फूकी बैठी होगी। हाँ यू बात तो तू ठीक करा, वार भी हमें गहनी होगी। तुझे कहाँ की वार होगी थी, तू क्या कर रहा था? रे वार के होगी, उस सब्जी वाले ने जिक दे दी थी मुझे, घना बोल रहा था, और तू कहाँ लेट हुआ? अरे मैं भी होगा तो कहीं लेट, बता दूंगा। माँ, अरे माँ, माँ। रे मुझे तो ऐसा लगा तेरी माँ छो में आकर तेरे मामा के चली गई दिखे। अजी हाँ, चल देखेंगे। अरे बन गए, हो गया थारा टाइम आने का। ले कहाँ लगाई इतनी देर तुमने दोनों ने? अरे माँ कहीं ना यही थे। रे सुन जा मैं बताऊँ। तब चुप के खड़े हो जा, बोलने की जरूरत नहीं बाप बेटा उनको दोनों में से कोई से को भी, बता रही हूँ बात। अब टाइम हुआ थारा आने का, खून फूक लिया मेरा जब से बाट देखते देखते। अरे माँ तू की छो रही है, ए मैं आटा ले आया, बापू सब्जी लिया, अब जाके इन्हें बना ले, हम भी खा लेंगे तो दो रोटी। ए ना बना रही मैं तो मैं बाप बेटा उनको दोनों को बैठ कर रहूंगी, पता ना कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब तेरे बाप से मेरे फेरे पड़े और तू नालायक पैदा हुआ, तुमने कर दिया मेरा जन्म दुखी। रात होगी अब बस की मेरा अंधेरे में रोटा पकानी, आँखों से दिखे ना भाड़ा।
तू कुछ काम कर लेता तेरा ब्याह कर देती अब तक। अरे भगवान, हमें तेरी यूं तो अदा पसंद है, तू हमें कुछ ये कह ले और हम सुन लें। पर अब खड़ी होकर रोटी बना दे, अब भूख लग रही बहुत तेज। अरे माँ, तू क्यों अब इतने भाव खा रही है? जब बापू ने गुस्सा मत कर ली ना तो ही फिर तुझे छो में पिटेगा और तू रोवेगी। रोटी तुझे फिर भी बनानी पड़ेगी। ऐसा मारूंगी अभी। वाह बेटे सुमित, सही डायलॉग बोल रहा। अब तो कौन सा डायलॉग कहाँ देना सब जानने लगा तू। बेटे एक दिन जरूर नाम कमाओगा, मेरे से भी ज्यादा फेमस हो जाएगा तू। बापू, यूसुफ जेडी खिवाड़ की करामात है जो मारी माज खड़ी होगी। ये ना सुधरेंगे। माँ जा तू रोटी बना ले जाके, मैं थोड़ा थक गया आराम कर लूं। रोटी बना लूं पहले, जब सुलटूंगी तब मैं बाप बेटा उनको दोनों को। जावे भी अब खड़ी क्यों है? अरे बापू होले सुद्धा सा। अरे बेटे सुमित थक तो मैं भी गया, तड़की तो बहुत बल्ले बजाए मैंने भी। होले तू बिनू। हाँ लोटन दे, इतना ही रोटी बनावे, करण दे कमर सी सुद्धी। कैसे मेरे मुंह में ही देगा किस लात को? सुमित तू एक बात बता, अगर मुझे कोई शादी करके ले गया तो तू क्या करेगा? ऐसा है, अब तो ये बात कह दी, दोबारा मत कह दिए। सारी दुनिया में आग लगा दूंगा, जो तेरे घर कोई बरात लेकर आए ना सबसे पहले गोली उसके लगेगी। कौन है कौन है कौन है? गोली मार दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा। खुल गई नींद, किसमें गोली मार रहा, किसका खून बह रहा? बाहर को निकल के देख ले कितना खून बह रहा। ए? खड़ा हो जाओ ऊपर को, खेत पर को चला जाओ उठ के। तेरा बाप कद का चला गया, तेरी आंख ना खुलती है या अभी उतरी ना नींद और गेरू बाल्टी भर के पानी की लिया जा कर यार। माँ आज तो आ गई तुम्हारे बीच में, अगर तेरी जगह कोई और होता ना तो बस मैं कह नहीं सकता, माँ है तू मेरी। आना कह ले, ऐसे ही मारूंगी खोपड़े में बाल्टी। खड़ा हो ले ऊपर को। अरे माँ भूख लग रही है, रोटी तो दे दे। तुझे खवा दू टिक्कड़, नींद से तेरी आँख खुली नहीं अभी। अरे वे खूंटे पे खड़ी कोस रही है उन्हें न्यार लिया जाके। तेरी समझ में आती है खाद मेरे की बात? इतना आवेगा इतने रोटी बना के तैयार रखोगे, भरने की आग लग रही है तड़की तड़क। अरे अब चली जा परे को, मेरे सिर पे खड़ी रहोगी। जा रहा हूँ खेत में, कुछ चाय पानी तो मिलेगी या वो भी ना मिले। काम बताते रहे बस, खाने पीना कुछ ना मिना। खड़ा हो जाओ पर को, रात की रोटी पड़ी है कादी उन्हें खा जा, इतने तू आवेगा इतना बना के तैयार रखूंगी और कैसा करेगा मेरे बाप। उठ जा। मैं ना खा रहा हूँ बस ये टिक्कड़, तू ही खा लिए। यार बता सुमित, कुछ तो जिंदगी वैसी खराब है, कुछ इन घर वालों ने कर रखी। अरे मेरे खेत बार के लत्ते कहाँ है, ये तो गिल्ले हो लिए। खड़ा हो जाओ ऊपर को, आँख खोल ले, जहाँ कहीं टांगे होंगे वहीं धरे होंगे, पैर ले निकड़ ले। सारे सुपने की अरे खेत के भी बताऊं थारे घर के भी बताऊं, तो मैं खुद को पता न रहती कहां धरो। चलो आगे को होले, सीधा होले सीधा। चल चले चले, कैसा खड़ा होगा चले। ओ पायलट, तू हवाई जहाज ना चला रही, बुग्गी चला रही है, ढंग में चला ले इसे ना, बस की तो अपने घर बैठ।
ओ काने माथे की फूट रही है तेरी, दूसरी आंख फाड़ के देख, बुग्गी तन्ने गलत साइड में खड़ी कर रखी है मन्ने ना। तो क्यों होगा, तेरे तो दिद्दे ठीक होंगे, अपनी बुग्गी को लेकर लेकर चल। हाँ मैं क्यों जाऊं, इसमें गलती तेरी है। और हाँ मैं एक लड़की हूँ, तेरे जैसे आशिकों का यही हाल है, लड़की देखी नहीं और झोटे की तरह मुंह फाड़न लगे। ले भाई पता ना कौन सी दुनिया में जी रही, इसे नहीं ना पता मैं लड़का हूँ। अरे मैं बता दूँ तू एक लड़की है, अब इस बुग्गी को लेकर लिखड़। बुग्गी हटाओगे तू, इसमें गलती तेरी है, आई बात समझ में। और मैं ना हटा रही बुग्गी, जो करना है कर ले, मेरा नाम रोशनी है। बड़ी तीखी मिर्चे भाई, बात सुन ध्यान से, इसमें ना तो गलती तेरी है ना है मेरी, इसमें गलती है रोड की जो इतनी छोटी है। कुछ भी हो जा मैं ना हटा रही, तू पहले हटाओगा। अरे यार सुमित खेत में बापू बाड़ देख रहा होगा। चल ठीक है तू ही बड़े बाप की बेटी बन जा, पर ध्यान से सुन, अब तो मेरा आगे बुग्गी अड़ा दी, आगे से मत अड़ा दिए ना तो बुद्धि ठीक कर दूंगा, समझ गई। चल चल अब तो बंदरिया से मुंह ठीक कर ले। पता नहीं भगवान भी ऐसे उसको पैदा करके क्यों भूल जावे, दोपहरी में मूड खराब कर दिया। चल बता भाई कहीं तक कहीं लो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ रह गया पता ना, उसकी माँ तो भी कह कहा था जल्दी भेजे खेत को। वह दोनों माँ बेटे ऐसे ही हैं, कोई नहीं सुनता वह हमारी, तो सारा काम निमटा लिया, न्यार भी काट लिया, घास भी काट लिया, पता ना कहाँ रह गया ससुराल लो। आज तो लिया भाई, आजा तू आज, आज तुझे हीरो बना दूँगा। अरे यार आज तो बापू बिल्कुल छोमे लग रहा, और न्यार भी काटो खड़ा, देखी जी ये बेटा सुमित लठ्या ना देवा आज। अरे दिखा दी तन्ने सिकल हैं, यू टाइम है तेरा आने का है, एक घंटा होगा मैं न्यार भी काटो खड़ा हूँ। रे जाओ तू टाइम पे आ जाता तो मैं गांव में एक दो पोत गिल्ली डंडा ना खेल लेता। यू बात कहते हुए शरमाया ना होगा, यू उम्र है तेरी गिल्ली डंडा खेलने की। अरे शर्म कर ले बापू शर्म कर ले। रे हराम के बीज शर्म को के मैंने लत्ते काट रखे हैं, और खेलने खाने की कोई उम्र ना होती है, और तू भी तो खेल ले उन छोटे छोटे रिचार्जों की गेल। मैं उनकी गेल थोड़ी खेल लूं, मैं तो उन्हें खेला हूं। अब तो मैं कंचू में इतना परफेक्ट हो लिया, उन्हें नुरा दो न्यू। रे चुपचाप न्यार ठाकर बुग्गी में घेर ले, मत ना अपनी पोल पट्टी पड़वा वे, जिंदगी में तेरे पे एक गोटी ना पिटी है, रोज की कंचे जितवा का वे ठा न्यार। ठा रहा हूं ला उठवा। आ रे कैसे करेगा बापू, पैर में मोच आ गई मेरे तो। ओहो ले जल्दी पकड़ी से। अब के तेरे पैर में मोच आ गई, थोड़ी से हटाई गोड़ को, तेरे सुसरे ना मार दो तो बुढ़ापे में दुर्गति भांड रखी इनने। मुझे पता तू मक्कारी दिखा रहा। अरे बापू मक्कारी ना दिखा रहा, मेरे सच में मोच आ गई, पैर मुड़ गए मेरे डोले पे। मक्कारी बता रहा, जिसके लगे है ना वही जाने। चल अब बुग्गी जोड़ और चल ले के।
चलाएंगे को और घास की कटड़ी धरवायू। मेरे पैर में दर्द हो रहा, तू उठा ले। चल परे को ठवा उसे। देख कैसा लंगड़ा रहा, जैसा पांव पे पहाड़ गिर गया हो। ले ले मजाक, जब तेरी टांग टूटेगी ना, जब पता चलेगा तुझे। ले अब उठवा। चल ले कैसे। आज तो बुड्ढा सारे का मुझे ही बताओगा। तुड़वागा बुढ़ापे में हार्ड बोर्ड मारे भी। आ जाओ रघु, चल। रे बैठ ले आराम से। हेले सहज में हाँक, सहज में भगा में मत इसे, गिरेगा हमें। बैठा रे, भाषण मत दे वे, एक तो वैसी पैर में चोट लगवा दी। रे भगा में मत इसे, सहज में ले चल। भगाना रे, हवाई जहाज ना है यू। बुड्ढा फट्टे तो ठीक लाया, मजबूत है वैसे तो, पर फायदा के जहाँ पड़ी रहे चीज वहीं पड़ी रहे। सोचते रहे घर में हैगी संगवाती रहेगी, मेरे बिगर कोई काम होता नहीं। रेवती, अरे रेवती है के कोई घर में? अरे कौन सा, भीतर को आजा, मुंह फेर के खड़ा हुआ। ले आ लिया। आ जा। अरे मैं आ रवि, रामफल ना आया। बड़ा बदतमीज है तू, हैं? ताई ताऊ लगे हैं तेरे, अकल वकल है कि ना है बोलने की? रामफल ना आया, नाम ले रहा दोनों के। कुछ सिखाया लखन माँ बाप ने ना सिखाया? अरे मैं तेरे मुंह ना लगना चाहता, और तू नहीं बता रामफल है कि ना। और सुनियो ताई, तो मैं तुझे जब कह मुझे ताऊ कब आएगा, वो तो ताऊ कब आता नहीं, और मैं ताई कहूँ तुझे। ऐसा चुपका होकर अपने घर को चला जा, मुझे पता तू काहे को आया, गिल्ली डंडा खेलने को आया होगा ना बुलाने। तुझे तो कुछ काम धंधा है ना, उसे भी मत करन दे कुछ काम। तेरे माँ बाप धमकाते ना तुझे, अरे कुछ करके खा ले उत्ते हो, पूरी जिंदगी पड़ी है यो, गिल्ली बल्ला डंडे से ना थारा काम चलेगा। देख रही तू गिनती तक आवे ना, साफ साफ नहीं बता रामपल है या ना, फिर वो मैं बाद में बुलाना देवे, अब तू घर बुलाने नहीं आया, हमें तो इस बात की दिक्कत है। नाश पीटे तमने हमारे घर का नाश कर रखा, आ जाओ मुंह उठा के तुम ये गिल्ली बल्ला डंडा खेलने की नहीं हो। गलती तुम्हारे सुमित के बाप की है, जो थारे बालकों में गिल्ली डंडा बजावे वो बुढ़ा लोग हो के, शर्म तो उसके ना नाश गए के। चला जा तू आज, तेरे दिन सुधा तह निकट जैसे पूरी सिकल को लेकर यहाँ से, आराम मत जी अब से पीछे यहाँ बुलाने की नहीं हो, ऐसे ऐसे आ जा दिमाग खराब करने की नहीं हो। यो बिटिया मेरा बेवकूफ बना रही है, रामफल है तो यहीं। चोर की तरह देख रहा जिंगे तिंगे को झांक के, तेरे एक आधी बेर की समझ में ना आती काई सुने की, यहाँ ना जब तेरे से कई बेर कह दी। अरे तो हमें नहीं बता दे रामफल यहाँ है या ना है। मैं बताऊंगी रामफल है या ना है। लग जाएगी वही, ले रामफल, रुक जा, अब बताऊंगी तुझे, ले मार दिया, तेरी समझ में ना आई एक आधी बेर की, अब लगेगी तुझे पता। अरे मर गया, लगी पता कहाँ है रामफल, मिल गया है और मारू एक दो। जब से कह रही हूँ चला जा चला जा। देख सुन ले रही मेरी बात, जो तन्ने अब के मेरे मार दे, मेरे तो बुरा कोई नहीं होने का, सुनगी? हराम के पिल्ले, मुझे धमकी दे रहा, धमकी दे रहा मुझे, धमकी दे रहा मुझे, धमकी दे रहा मुझे, ले मार दे मन्ने तेरा, तेरे सारे यार लुच्चे लफंगे और चोर डकैत, मार साले के। रुकता जाओ साले, तुझे चोरी करने को मारा घर मिला? अरे पहले मारने था, पहले बूझता लेते, अब बात कही। मका चुपका मर जा, तेरी गैल गिल्ली डंडा के खेल लू मैं, तू तो हमारे घर में दिन दहाड़े ढाका ही खेलने लगा। सुमित मार साले के। अब जिंदगी में ना खेलने कहा, तेरे बापू की गैल गिल्ली डंडा मार खड़ा क्यों है साले? खबरदार आए खड़ रही है तीनों के तीनों, एक कदम भी कोई से ना आगे, सिर्फ पैर। रुको रुको तुम दोनों रुको, यू थारा कोई जगह मार देगा, मैं देखूं इसे। तुम क्या देखोगे मुझे, मैं तो सर हम बड़े बुलाना आया, चल गिल्ली डंडा खेल लेंगे।
और तुमने तो मैं चोर बना दिया, चूल्हे ना तो पीट दिया। के? फिर तू मारे पे क्यों पीट रहा? अरे मैं कहां पीट रहा हूँ, तुम मुझे पीट रहे हो। रही सुमित की माँ तुझे चोर डाकू क्यों कह रही थी? अरे मैं चोर डाकू क्यों होता, तन्ने कही जब गिल्ली डंडा खेलो मुझे बुला लीजो। अरे मैं तो तुझे बुलाना आया हूँ, मैं चोरी करना आया था। अरे चला जा ऐसा, कभी खिलाऊं तुझे गिल्ली बल्ले। हटो ये गोड़ को, चला जा, चल आराम जी आज से फेर यहाँ। यू इरा कैसे हो जा रही, इसने तो जन्म दुखी कर रखा, इससे तो मैं दुखी हो रही। देखियो रे देश के भविष्य को, उठ तो भी चक्कर आ रहे हैं। रे सुसरे आँख तो खोल ले। तेरा दिमाग खराब तो ना हो रहा है, जवान छोरे पर हाथ उठा रहे हो, क्या कर दिया ऐसे इसने? रे तेरा छोरा हरकत ही ऐसी करे। अरे यार सुमित, यू की होगा तुझे, जहाँ देखूं रोशनी दिखाई देवे। अरे के हो गया आज तेरा, कैसे उल्टी सीधी सी हरकत कर रहा आज तू, के बात है? माँ पता ना मुझे आज रोशनी दिखाई दे रही। रे करेले के बीज, एक थप्पड़ में रोशनी दिखाई देगी या ना देगी? अंधेरा तो ना दिख रहा। अब एक काम कर, खेत को चला जा और जाके वो नाली छोल ले, जा निकड़। तेरे लाडले को रोशनी दिखाई दे रही। मेरा तो दिमाग खराब कर मत सवेर सवेरी, अपना काम कर पर कुछ जाके। देख लो भाई की हालत है आजकल के नौजवानों की। रामफल, ए रामफल है के? और रामफल, ए कहाँ रामफल? अरे कहाँ लुका बैठा है? अरे आजा, क्यों कहाँ चली थे बाहर हो रहा? यू बैठे हुए तो भीतर। अरे रामफल, एक बड़े दुख की बात है, हमारे मोहल्ले की पिछले वाली गली में सुरजे की बहू की मौत होगी। अरे बस समेरू, यू तो ठीक बात है, और यू तो बढ़िया होगा, अब तो उस मोहल्ले में एक हफ्ते तक शांति रहेगी और गांव में भी रोड़ा रुक का कम होगा। अरे भाई वो तो बहुत अच्छी वीरवानी थी, मुझे बहुत दुख हुआ। अरे तुझे तो दुख होता ही, तू दोबारा जो विधवा होगा, और मैं तो नीचा हूँ, और हफ्ते में एक दो मौत होती रहे, सारा गांव में शांति तो बनी रहे। अरे ना यार रामफल, ऐसा ना कह करते, मुझे तो बहुत दुख है सुन के, बहुत अच्छी वीरवानी थी। ओ सुमेरू सुन, तू आज मर जा, किसी को तेरे मरने का दुख नहीं होने का, तेरा और उसका तो पुराना चक्कर था, यू ही वजह है जो तुझे दुख हो रहा। और ना तो तू किसी के मरने पर दो आंसू भी ना बहावे। चल छोड़ इन बातों को, हमारे खेतों को पानी दे दे, खेत सुकन को रे। अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे, साफ साफ बता तुझे पानी चाहवे। एक काम कर, पहले पिछला हिसाब कर दे, जब आगे की बात करिए। अब आई दे देंगे वो भी, क्यों परेशान हो रहा? ऐसा कर, घर तो बाहर हो ले और फिर दिखाई ना दे जाइए। पैसे देने बस की ना, चले आवे पानी मांगने। छो तो इतना रहा, ऐसा जी कर रहा है जान से मार दूं, जब काम में शांति पड़ेगी। पर चल इसके छोरे से पूछो ना, लायक से हो सके बात बनी जा। रब ऊंट की ढाल मुंह उठाए क्यों खड़ा, जाके सूरज की बहू को रोले। सुनो के सुमित ना आया अब लोर? ना तू के कह सुमित को, एक आधा हिल्ला मत करन दिया उसे। और तू एक बात बता, यू पूजा पाठ के तू दूसरा खसम मांगने को कर रही है? चल बेटा भाग ले, निकल ले पतली गली से, कदी इन दोनों के झगड़े में तू ही पिस जा। 26 साल तक तो मेरा खून पी रही है, और के चाह तुझे?
तेरे मरने की जाऊं पूजा करने और उल्टा सीधा बोलना मत, ने तेरे माथे में लुटियाई मार दूंगी, देख ले खोल दूंगा घट्टा तेरा भी। मेरी पूजा के बारे में कुछ मत कह करे मुझे, तू तो करे ना कुछ, मुझे भी ना करन दे नसेद। तन नहीं पूजा कर, मुझे मांग के मेरी तो जिंदगी बर्बाद करी दी, अब सुमित की जिंदगी बर्बाद करने का और ठेका ठा लिया। मैं तो अपने बेटे की ब्याह की मन्नत मांगने जाऊं, मेरा बहू आ जाएगी और फिर मुझे भी थोड़ा घना आराम मिल जाएगा। तेरे धोरा कौन रह रहा, मैं तो अपने बहू बेटान के धोरे रहूंगी, कदी नू जानता हो। मेरे धोर तो टाइम है ना तेरी गाल धनुष बाण ठाने को, आगे समझ में, हर वक्त बक 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 करता रहे मर पर रहो। हाँ जा चली जा भीतर को। अरे तू सुमेरे को कहाँ जा लिया? अरे जा लिया तो गया सुसरे को जान दे कच्ची राड। बेटा रुक 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 रुक, अरे रोक तो तू ऐसे राजा हाईवे पे खड़ा हो, बता मार दिए ब्रेक क्या बात है? अरे बेटा मैं तो घर गया था, वहां तू मिला नहीं तो मुझे यहीं आना पड़ा। घर गया था तो मेरे बापू तो मिला होगा घर। बापू? तेरे बापू ने मेरा दिमाग और फाड़ दिया, मेरे दिमाग की तो यही और कर दी, और तो और तेरी मां से लड़न लगा। अरे उनका तो रोज का काम है। सुन बेटा मैं तेरे से एक बात कह रहा, मेरी बात सुन। मेरे दौरे भी सुनने का टाइम ना, मुझे खेत पे जाना है, खेत में लड़ाई करनी, ठीक है बाद में बात करूंगा। अरे एक बात तो सुन, बाद में करिए। अरे एक मिनट की बात है। अरे बाद में मिलूंगा। अरे बात सुन तो सही, चल बेटे थोड़ी देर में वहीं आ रहा हूँ। बता यार, इतना कबाड़ हो रहा खेत में, बुड्ढा मुझे तो ऑर्डर दे दे, मुन्ना खुद भी कुछ कर ले। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लड़की की आवाज। भाई ये लड़के ससुरे पागल ही हैं, जहां लड़की दिखी वही लग जाचे पोने, देखो के चक्कर है। छोड़ छोड़ छोड़ो, छोड़ दो मुझे कुत्तो, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तन्ने दुनिया भर का शोर मचा रखा, मचा ले जितना तुझे मचाना। देख लियो फिर, मचा ले तुझे जितना शोर मचाना, कंचे तो ही देने पड़ेंगे। छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ मैंने दे रही, छोड़ रे तेरी, छोड़ हट हट। अरे की हो रहा यू? अरे हमने कौन सी गलती कर दी जो तुम्हें पीट रहा? गलती सालो जो तुम यू कर रहे हो ना, यू माँ पाप है, इससे हम अपनी चीज ही तो ले रहे, कौन सा पाप कर रहे? चुप साले, लड़की को छेड़ रहे हो, नीच हरकत कर रहे हो, अन्नू कह रहे हमने कौन सा पाप कर दिया? बता दूं अभी तुझे, तो मैं देख लूंगी, तू मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गया, वैसे तुम लड़कों की जात ऐसी हो वे। यार कितनी मतलबी लौंडी आयु, इसकी इज्जत बचाओ तो ठीक, ना बचाओ तो गलत। मैंने कुछ गलती कर दी, मेरे पे भड़क के उड़ गई है। अरे रुक तो भाई, मारी भी सुन ले। ओए दिमाग खराब मत करे, जाप जाके छेड़ लो उसे, कोई ना आने का वहां। सुमित बेटा आ लिया तू, मुझे लगा खेत का प्रेशर कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिखा तेरे पे। ओए चुप हो जा तू, पूरा खानदान पागलों का ही है, दिमाग खराब कर रखा। वैसे तू कुछ बता रहा था, बता। अरे लाला मैं तो नु कह भया, मारे खेतों को पानी मिल जाओगा, फसल का नाश हो रहा बिल्कुल। हाँ ठीक है, परसों को ले लिए, तुझे नाटूंगा तू दिमाग खराब करेगा मेरा, मेरा वैसे दिमाग खराब है। अरे सुमित भाई एक बात तो बता, तन्ने हमें पिट्टा क्यों? पिट्टा क्यों साले, तुम उस लोंडे को ना छेड़ रहे थे वहाँ? हाँ जी ये दोनों थाई लोंडे को छेड़ रहे थे वहाँ। मेरी लोंडिया को? मुझे ऐसा लगा इसका दिमाग खराब हो गया। दिखे बेटे निकल ले यहाँ से, कदी पानी को नाट जावे। अरे छेड़ दी कोई बात नहीं, छेड़ लेने दे, पर तू मुझे पानी दे दिए परसों। हाँ ठीक है।
अरे वो तो चला गया। अब नू बता तन्ने भाई हमें पिट्टा क्यों? अरे भाई हमसे छेड़ रहे थे, वो हमारे साथ कंचे खेल रही थी, रोली कर रही थी, हम तो उससे अपना कंचे छीन रहे थे। ठीक है तो भाग जाओ यहाँ से, साड़ो मेरा वैसे दिमाग खराब है, ना तो फावड़ा मार दूंगा।